सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलेंगे कासुका BSMP एपिसोड 1। तो यहाँ पे इन्फिनाइट बॉय और गर्वित बात कर रहे हैं। तो आज के टाइटल देख के आपको ये समझ में आ गया होगा, आज हम लोग जाएंगे नेदर। तो पहले हम सुबह कर लेते हैं। नेदर हम क्यों जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी है डायमंड का आर्मर, और आज भी मेरे को आज इन्फिनाइट बॉय बोल रहा था अभी तो तेरे पर डायमंड का आर्मर। तो आज हम लेने चलेंगे नेदराइट यानी एंशिएंट डेब्री। अब देखते हैं कितनी एंशिएंट डेब्री लेकर आएंगे। TNT मेरे पास है नहीं, तो अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, सुबह हो कर लेते हैं पहले। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अब हो गया है दिन हो गया है मतलब। तो अभी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। मेरे पास शील्ड नहीं है, तो हम पहले शील्ड लेने चलेंगे। ओके, तो और ये आप देख रहे हो कि मेरे पास टोटम कहाँ से आए। तो यहाँ पर रेड चल रही थी, तो मैंने सबको मार दिया और मेरे को बहुत सारा टोटम मिल गया। और एक सेकेंड इसमें फिर से हुई है भाई। देखते हैं भाई क्या आयरन नहीं है भाई मेरे पास, ना लकड़ी है। लकड़ी तो करवाने ले आऊँगा, लेकिन आयरन नहीं है भाई साहब। तो अभी मैं गाइस इन्फिनाइट बॉय के घर से लेकर आता हूँ शील्ड। उससे पहले मैं तुमको ये दिखाता हूँ मेरा घर, जो कि टूट चुका है। मैंने बनाया था और अपने लोगों जैसा, लोगों मतलब जो चैनल का लोगो है वो बनाया था मैंने, और तोड़ दिया भाई बिल्लू ने। तो फिर पहले अब हम यहाँ पे चेस्ट में अपने सामान रख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा सारा सामान मैंने चेस्ट में रख दिया है, और अब हम लोग जाएंगे शील्ड लेने इन्फिनाइट बॉय के घर पे। अमीर भाई सबसे ज़्यादा वही है, तो मेरे को उसी के घर से लेना पड़ेगा ये फैक और लेदर और फटने फ्लैश। सो लेट्स गो। ये रहा सामने ही उसका घर, मॉडर्न हाउस है। फटाफट चलते हैं। सो गाइस मैं उसके घर पर तो आ गया हूँ, मतलब ये राइट में ही है। तो यहाँ से गाइस मैं आपको शील्ड बनाने के बाद मिलता हूँ। आयरन और लकड़ी तो उसके घर से मिल ही जाएगी, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस मैंने शील्ड ले लिया, यहाँ से पल्टी मार लेता हूँ चुपचाप। और अब हम लोग जाने को चलते हैं। सो गाइस फियर फाइनली नेदर। अभी शीप कहाँ से है, और यहाँ पे घास घूमती रहती हैं दो दो तीन तीन एक साथ। ये देखो एक तो येरी, ये भाई फोड़ेगी ना नेदर फोड़ देगी। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसने अपना फायर बॉल फेंका और इतना शील्ड मेरे मतलब नेदर टूट गया था। और अब एक और देखो यहाँ पे भी है, तो जस्ट खा क्या पॉपी रख रखी है। अबे भाई खा ली, वाह भाई फालतू चीज़ है यानी भाई, इससे बच के रहना है। और फिर नीचे गिर गया मैं। कोई नहीं, मेरे को थोड़ा सा रास्ता ढूंढना है कहीं और जाने का। सो गाइस मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगा, क्योंकि हमको आगे जाना, क्योंकि यहाँ पे तो सब बंदे खोज चुके होंगे। पहले मैं यहाँ के स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, ताकि हम कभी भूल ना जाए ये जगह। और ब्लॉक्स भी लगा देता हूँ, ताकि ये यहाँ पे फोड़ ना दे हमको। सो लेट्स गो, मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मिलता हूँ। ओके गाइस हमको लावा पूल मिल चुका है। अब तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई कि हमको कोई फ्लैट एरिया मिल जाए कोई, जहाँ पे हम खड़े हो सकें। सो अभी हमको ढूंढना है ये शॉवल। सो गाइस खोदते खोदते मैंने गलती से लावा कह रहा हूँ जम का बटन दबा दिया था, और मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ। ग्रेवल थी यहाँ पे पहले से, तो भाई मैं बच गया हूँ। और इसमें तो ऐसा भी नहीं था कि पानी यूज़ कर लो ना जा रही होगी। तो अभी मैं ब्लॉक लगाते लगाते आगे चलता हूँ, पहले अपनी हील फुल करता हूँ। और यहाँ पे वो भी आ गई है घास, टोटम होने पकड़ लो भाई, मरेंगे तो जिंदा हो जाएंगे दोबारा। इस घास को रुक जाओ बेटा भाई, हील कर लो पहले, मैं इसको तो भी मारूँगा। और गाइस बैकग्राउंड आवाज़ के लिए सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि पीछे। आ जा भाई, आ जा बस पहले हील हो जाते हैं पूरा, क्योंकि हमारे पास गोल्डन कैरेट भी हैं और टोटम ऑफ वंडरिंग भी बहुत सारे हैं भाई। तीन तीन टोटम ऑफ वंडरिंग बहुत सारे होते हैं। अब उसको मारो अब स्केलेटन हड्डी बस, तू भी आ जा तू, तेरे को तो अपने तीर से मार दूंगा मैं। चलो भाई चलो।
अभी हड्डी बाज को मारो अभी घास। अभी भाई अभी शील्ड से रिफ्लेक्ट नहीं होता क्या? मेरे को नहीं पता था। अभी घास तो गई, बस स्केलेटन को मार दूँ मैं। अभी भाई डॉच भाई डॉच। अरे मैंने फायर बॉल मारा भाई, उसने मतलब फायर बॉल मारा, मैं नीचे झुक गया, मेरे को लगी नहीं भाई। अब ये गाई भाई जो आपने शुरुआत में देखा है ना, अब यहाँ पे बोल रहा है ये भाई साहब, ये क्या मारा मैंने, रिफ्लेक्ट कर दिया। ये देखो भाई स्लो मोशन में भाई हम दिखाएंगे भाई, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैंने तीर कमांड से पहली बार करा क्योंकि सो कहते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं इधर, और वहाँ पे मैं नीचे खोद दूँगा। यहाँ पे भी तो उसके रटन है भाई, और तुम्हारी बरात चढ़ाता हूँ भाई, मैं इनको मार के मिलता हूँ। तो मैंने सब स्केलेटन को मार दिया, मैं यहाँ से नीचे खोद देता हूँ, नीचे लावा ना मिल जाए बस। और ये नदर, अभी क्या कहते हैं, और नदर रख आ गया यहाँ पे, तो लेट्स गो इसको माइन करते हैं। पहले ऊपर से खोदते हैं भाई, घास थे ऊपर। अब चलो गाइस हम नीचे खोदते हुए चलते हैं। सो गाइस मैं नीचे पहुँच चुका हूँ बहुत ज़्यादा, ये देखो बेड रॉक पर पहुँच गया हूँ वाई एट पे, और हमको एंशिएंट डेब्री भी इधर ही कहीं मिलेगी वाई एट से लेकर वाई ट्वेल्व तक। सो लेट्स गो। सो मैं अभी गूगल पर देख रहा, गूगल बोलता है कि वाई एट पे माइन करो। पागल हो गए भाई गूगल भी, भाई साहब अलग ही सीन है। सो ये रहा हमारा गेम, मैंने खोल लिया है। तो लेट्स गो गाइस, हम तीन तीन चार चार एक साथ मतलब ब्लॉक खोल के आगे चलते हैं, और लेट्स गो। ओ आई एम मेकिंग अ न्यू ऑब्सिडियन। सो गाइस मैं पीछे से माइन करता करता आगे आ गया हूँ। यहाँ पे कोई एक टनल से मिली मेरे को, ये देखो टनल कह रहा हूँ, केव से सॉरी। और एक सेकंड, ये ग्रेवल का ब्लॉक कैसे टिक रखा ऊपर को भाई, हीरो ब्राइन है इधर। सो मैं भी आगे चलता हूँ, रिकॉर्ड लेते हैं भाई, घर बना लेना हम अगले वीडियो में अपना घर बनाने की सोचेंगे। तो पहले हम लीव कर देते हैं क्योंकि सोना है बंदे को, मैं तो सो नहीं सकती क्योंकि नेदर में हूँ, नेदर में होऊंगा तो फट जाएंगे भाई हम। तो फिर हम एक क्वार्ट्ज माइन करते हैं गाइस, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस क्वार्ट्ज तो माइन कर लिया, और मैं भूल गया था कि मेरे पास सल्टेज है, तो वो सीधा ओवर बनकर टूट कर आएगा। सो यहाँ पे भाई आया, फिर भी मेरे को पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, ग्रेवल का ब्लॉक खड़ा हुआ है मतलब ऐसे ही। सो मैं भी आगे चलता हूँ ये चार चार ब्लॉक खोद के। सो गाइस यहाँ पे हमने इन्फिनिट भैया से पूछा कि भैया बता दो कि एंशिएंट डेब्री कहाँ से मिलते हैं, तो उन्होंने बोला वाई ट्वेल्व पे। तो अब हम लोग करने वाले हैं फाइट ट्वेल्व। सो लेट्स गो गाइस, अब एंशिएंट डेब्रीज की तलाश में आगे चलते हुए। सो गाइस हमको मिल गया है फाइनली एंशिएंट डेब्री, में यहाँ पे माइन कर रहा था वाई ट्वेल्व पे ही, और यहाँ पे मेरे को मिल गया। पहले देख लेते हैं कितनी होती है, मैक्सिमम तो दो ही होती है हमेशा, पर तब भी देख लेते हैं, क्या पता किस्मत चमकी हुई हमारे। ये ब्लॉक फेंको यहाँ से। तो ये रहा हमारा पहला एंशिएंट डेब्री सर्वाइवल में। भाई भाई मैंने सबसे पहली बार एंशिएंट डेब्री ये खोदा है, वो भी अपनी मेहनत से भाई। तो ये रहा एंशिएंट डेब्री, और हम अब दूसरा वाला भी माइन कर लेते हैं। और हमको आज एटलीस्ट एक तो चाहिए, और थंबनेल में तुमने भले देखा अनलिमिटेड एंशिएंट डेब्री, वैसा कुछ नहीं है, तुम्हारा पॉपअप किया गया है। सो गाइस अब आगे चलते हैं। ला 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 ला। अबे ये क्या है, अबे किसी ने पहले ही उड़ा रखा है भाई जगह। भाई यार हमारा पोपट हो गया है गाइस, हमको भी कुछ ब्लॉक पीछे ही एंशिएंट डेब्री मिला है, और यहाँ पर देखो पोपट हो रखा है हमारा। मारो इनको, मारो फट फट। सो गाइस अब पीछे को कल्टी मार लेते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस मुझे माइनिंग करते हुए बहुत देर हो गई है, और यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब मैं लास्ट की कुछ 15-25-20 ऐसी ब्लॉक्स कुछ खोदने वाला हूँ 4x2x2 में। तो फिर देखते हैं हमें क्या एंशिएंट डेब्री मिलता है। तो ये देखो 2x में कर दिया वीडियो। सो गाइस एंशिएंट डेब्री तो नहीं मिला, थोड़े से और ब्लॉक खोद लेते हैं, क्या पता किस्मत चमक जाए। तो एक सेकंड, वो क्या एंशिएंट डेब्री है, सोल सैंड सोल सोइल जो भी है, फालतू की चीज़ है। सो गाइस अब कल्टी मार लेते हैं, हमारी किस्मत में सिर्फ 2 एंशिएंट डेब्री से। थंबनेल में भले अनलिमिटेड थे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है ना, मतलब 2। सो अब गाइस हम आ गए हैं उस जगह से ही। अरे भाई मैं गिर गया, ऊपर कुछ नहीं था।
ऊपर कुछ नहीं था, मैं ऊपर से होकर आ गया हूँ। सो गाइज अभी मैं कोऑर्डिनेट देखकर आता हूँ गैलरी में जो मैंने सेव करे थे, उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 11, 95 और 59। सो गाइज अब हम उधर चलते हैं। सो गाइज मैं एग्जैक्ट 11:59 पे खड़ा हूँ। अब मेरे को बस ऊपर जाना है कुछ 40 ब्लॉक ऊपर, 40 ब्लॉक कह रहा हूँ सॉरी, 90 ब्लॉक ऊपर, 90-80 ब्लॉक। अरे भाई यहाँ से तो लावा भी आ गया, लावा पूल है मेरे ऊपर शायद से, पर भी इतनी ज़्यादा लावा की आवाज़ आ रही है। भाई कितना पंगा होगा मेरे साथ लावा में भाई, अब मैं अनडिसेंट भागूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितनी जल्दी मेरा आर्मर फूट गया, आर्मर की हेल्थ बहुत लो है, तो मैं अभी तोड़ तोड़ के जा रहा हूँ भाई किस्तों में एकदम। ये क्वार्ट्ज का ब्लॉक इसके ऊपर हम खड़े हो जाएंगे, और ये मैं आ गया ऊपर टैक बर्नर के एक्शन में। पहले तो लावा को रोको भाई, टैक बर्नर बाद में बोलेंगे हम। सो गाइस हमारे पास टोटम भी है तो हम बच जाएंगे। और गाइस हम बाहर आ चुके हैं फाइनली। ये कट्स मैंने बहुत गंदे वाले कमेंट्री करे हैं कट्स के अंदर, तो क्योंकि वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो गाइस हम 2 एंशिएंट डेब्री लाए हैं, तो इनको स्मेल्ट कर लेंगे बाद में कभी। तो मैं आपको उससे पहले ना अपना स्केलेटन फार्म दिखाता हूँ, अपना तो नहीं मतलब हाँ SMP वालों का। हम सब ने भी नहीं, एक गैंगस्टर नाम के बंदे ने बनाया था, वही जो अभी बात कर रहा था ऊपर। आई एम गर्वित भी इधर है, ये ग्लास मैंने लगा रखा है इधर ताकि हम पूरा प्रोसेस देख पाए कि वो आ कैसे रहे हैं। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने, अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब ठोक दो, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम हर जगह ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।